सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC के बारे में है। देखो, हमारे देश की बड़ी सिटीज में आज के समय में ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल, बस, मेट्रो, सबर्बन रेलवेज, मोनोरेल, रैपिड रेल। तो कम्यूटर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको हर एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम को अवेल करने के लिए अलग से एक कार्ड रखना पड़ता है। तो काफ़ी समय से ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि एक ऐसा कार्ड होना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्ट के हर एक माध्यम को अवेल किया जा सके, उस कार्ड की सहायता से मेट्रो में यात्रा की जा सके, रेलवे में यात्रा की जा सके, बस में यात्रा की जा सके। तो इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा अब ये लॉन्च किया गया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इस कार्ड की सहायता से आप ट्रांसपोर्ट के जो मेन सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रो, बस, रेलवे, मोनोरेल, रैपिड रेल, उन सबको अवेल कर सकते हो। आप टोल प्लाजा पे टोल देना चाहते हो, इस कार्ड की सहायता से टोल दे सकते हो। पार्किंग फीस देना चाहते हो, इस कार्ड की सहायता से दे सकते हो। रिटेल की शॉपिंग भी की जा सकती है इस कार्ड की सहायता से। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसको वन नेशन वन कार्ड का नाम भी दिया गया है। ये कार्ड कैसे आप ले सकते हो? ये कार्ड देखो आपको बैंक देंगे। बैंक जो आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड देते हैं, वही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड काम करेंगे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड काम। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो जो आपका ATM होगा SBI बैंक का या फिर PNB बैंक का, उस ATM से ना सिर्फ आप पैसे निकलवा सकते हो बल्कि वो ATM आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी काम करेगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को इनेबल किया जाएगा रुपे कार्ड के मैकेनिज्म के द्वारा। इसमें देखो दो और टर्म्स हैं, एक है स्वीकर और एक है स्वागत। स्वीकर का क्या मतलब है? स्वीकर का मतलब है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। जैसे देखो दिल्ली मेट्रो में आप एंटर करते हो, आप अपना कार्ड वहाँ पे रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है कार्ड से कट जाता है, उसी प्रकार का ये सिस्टम होगा, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। गेट पे लगा होगा या फिर कोई मशीन लगी होगी जिस पे आप अपने कार्ड को स्वाइप करोगे, आपकी टिकट परचेज हो जाएगी। और दूसरा स्वागत का मतलब है यहाँ पे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट। जैसे कार्ड को आप स्वाइप करोगे उसी समय दरवाज़ा खुल जाएगा, जैसे मेट्रो में होता है, कार्ड को स्वाइप करते ही दरवाजे खुल जाते हैं 2-3 सेकंड के लिए ताकि पैसेंजर अंदर एंटर कर सके। तो स्वीकर और स्वागत ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है ताकि हमारे देश की बड़ी सिटीज़ में जो मल्टी ट्रांसपोर्ट मॉडल्स हैं उनको पेमेंट के दृष्टिकोण से यूनिफाई किया जा सके। आर्टिकल डिस्कस किया हमने पूरा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कोड के बारे में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल युवा विज्ञानी कार्यक्रम के बारे में है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम या फिर युवा विज्ञानी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद देखो ये है, जो स्कूल के चिल्ड्रन हैं उनको स्पेस की टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में और स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी दी जा सके और उनका इंटरेस्ट जो है वो जागृत हो स्पेस एक्टिविटीज़ के इमर्जिंग एरियाज़ में। इसरो के द्वारा इस प्रोग्राम में स्कूल के कुछ बच्चों का चुनाव करके उन्हें बताया जाएगा PSLV क्या है, GSLV क्या है, सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च होने के बाद क्या उसका फ़ायदा होगा, क्या उसका एप्लीकेशन होगा, इंटरनेट किस प्रकार से अच्छा चलता है सैटेलाइट्स की सहायता से, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाएंगी ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जगे स्पेस एक्टिविटीज़ में और आगे जाके वो स्पेस को अपना करियर चुने। तो प्रोग्राम के अंतर्गत सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से 3 स्टूडेंट्स का चुनाव किया जाएगा। एलिजिबल कौन से बच्चे हैं? देखो वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने 8वीं क्लास पास कर ली है, 8th क्लास वो पास कर चुके हैं, अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और क्रिटेरिया क्या होगा? क्रिटेरिया देखो ये होगा, एकेडमिक रिजल्ट देखा जाएगा, बच्चों का रिजल्ट कैसा है 8वीं तक का, और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी पार्टिसिपेशन देखा जाएगा, और रूरल एरियाज से बच्चे जो संबंध रखते हैं उनको स्पेशल वेटेज दी जाएगी इस युवा विज्ञानी कार्यक्रम में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में है। पिछले साल 10 अगस्त को हमने डिटेल से आर्टिकल डिस्कस किया था फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में, वहीं से हम रिवाइज कर लेते हैं। फॉल आर्मी वॉर्म है क्या? फॉल आर्मी वॉर्म पेस्ट के बारे में है। पेस्ट का मतलब है कीट।
ये कीट यानी ये पेस्ट फॉल आर्मी वोम अटैक करता है मेज पे, मतलब मक्का पे। क्या कंटेस्ट है? ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि जुलाई में कर्नाटक में मेज के ऊपर इस पेस्ट फॉल आर्मी वोम का अटैक देखा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। क्योंकि देखो, ये पेस्ट यानी ये कीट आमतौर पर इंडिया में नहीं मिलता है। थोड़ी और ज़्यादा डिटेल डिस्कस करते हैं इस पेस्ट के बारे में, यानी इस कीट के बारे में। ये मेजर मेज का पेस्ट है, मतलब मेजरली देखो नॉर्थ अमेरिका में मक्के पे अटैक करता है ये पेस्ट यानी ये कीट। अफ्रीका में एंट्री की इस पेस्ट ने 2016 में, और धीरे धीरे इस पेस्ट का इन्फेक्शन यानी अटैक देखा गया सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में मक्के की फसलों पर। दिक्कत देखो ये है कि एक बार अटैक हो जाता है इस पेस्ट का फॉल आर्मी वोम, तो इस पेस्ट के अटैक को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे तो मक्के की फसल पर ही अटैक किया जाता है इस पेस्ट के द्वारा, लेकिन प्लांट्स की 80 दूसरी स्पीसीज ऐसी हैं जैसे सोरगम, मिलेट, सुगरकेन, कॉटन, इन फसलों पर भी अटैक किया जाता है पेस्ट फॉल आर्मी वोम के द्वारा। अगर देखो कर्नाटक में इस पेस्ट के द्वारा अटैक की रिपोर्ट अगर सच साबित होती है, तो ये पहली बार होगा कि एशिया में इस पेस्ट के द्वारा अटैक किया गया हो, क्योंकि इससे पहले नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में ही मक्के की फसलों पर अटैक किया गया था इस पेस्ट के द्वारा। लेकिन अब ICAR के द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि हमें लगता है कि कर्नाटक में मक्के की फसल पर अटैक किया गया है इस पेस्ट के द्वारा, तो इमीडिएट रिस्क में होंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किसानों की जो मक्के की फसलें हैं, वहाँ पर भी अटैक हो सकता है। कैसे? वैसे देखो कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ उपाय जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स और नेचुरल एनिमीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे लास्ट में इंटरक्रॉपिंग, मतलब एक फसल के साथ में अगर दूसरी फसल उगाई जाती है, उसके बाद तीसरी फसल, इस प्रकार से अगर इंटरक्रॉपिंग होती है तो भी इस पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने रिवाइज किया फॉल आर्मी वर्म के बारे में। अब देखो दो चीज़ें आपको और भी याद रखनी है। पिछले साल हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था, तो उस समय कहा यह जा रहा था कि कर्नाटक में ये पेस्ट देखा गया है, लेकिन अब कन्फर्म हो गया है कि इंडिया और यमन में 2008 में कुछ रीजन्स में फॉल जो आर्मी वर्म पेस्ट है, इसने इन्फेक्ट किया है कुछ फसलों को यमन में भी और इंडिया में भी। तो अगर UPSC पूछे क्या इंडिया में भी कुछ फसलों का इन्फेक्शन हुआ है इस फॉल आर्मी वर्म पेस्ट से, तो इसका आंसर होगा यस। 2018 में कन्फर्म हो चुका है इंडिया में इस पेस्ट का इन्फेक्शन देखने को मिला था। चिंता की बात देखो ये भी है, ये जो पेस्ट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है फसलों को। तो हमारे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस पेस्ट के इन्फेक्शन से। और नेचुरली ये पेस्ट मिलता है अमेरिकास के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फॉल आर्मी वर्म के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बोल्ड QIT के बारे में है। पूरा नाम है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। इसको देखो जल्द ही इंस्टॉल किया जाएगा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर असम में, कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत? CIBMS यानी कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखो प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया का पड़ोसी देशों के साथ जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे मैन पावर, कमांड एंड कंट्रोल, सेंसर्स, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि हमारी फोर्सेस का जो रिस्पांस है बॉर्डर पे वो क्विक से क्विक हो और किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जा सके। तो इन सब चीज़ों के लिए है ये प्रोजेक्ट CIBMS यानी कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये टेक्निक है बोल्ड QIT। इस टेक्निक को इंस्टॉल किया जाएगा जल्द ही, जैसा हमने डिस्कस किया, असम में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर। फायदा इस टेक्निक का ये होगा, देखो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में बहुत सा एरिया ऐसा है जो रिवराइन है, जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, इस प्रकार की जो फेंसिंग होती है लैंड पे, इस प्रकार की फेंसिंग नहीं है रिवराइन एरिया में इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर। तो उन एरियाज में इस टेक्निक की सहायता से सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, ताकि किसी प्रकार की इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जा सके। तो बोल्ड QIT
के बारे में यूपीएससी पूछे तो आप बता दीजिएगा। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर इस टेक्निक की सहायता से सेंसर्स को इंस्टॉल किया जाएगा इनफिल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पीएसबी लोन इन 59 minutes.com के बारे में है। देखो, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था पिछले साल नवंबर में, और लॉन्च करने के 3 महीने के अंदर अंदर ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है, ऐसा बताया गया है ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट ने। हम बात करें इस पोर्टल के बारे में, पीएसबी लोन इन 59 minutes.com। हमारे देश में जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो 59 मिनट्स के अंदर अंदर 1 करोड़ तक का लोन पास करवा सकते हैं इस पोर्टल की सहायता से। पहले जो काम 20 से 25 दिनों के अंदर होता था, अब वो काम सिर्फ 59 मिनट्स में हो जाता है। सिर्फ जो अंतिम डिसीजन है, प्रिंसिपल अप्रूवल, मतलब लोन ऑफिसर को ये तय करना होता है कि लोन दिया जाए या फिर ना दिया जाए, वो काम ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है, बाकी सारा काम ऑनलाइन अपने आप हो जाता है। और ये जो पोर्टल है वो लोन ऑफिसर के लिए भी काफ़ी काम आसान बना देता है। कैसे? मान लीजिए मैंने लोन के लिए अप्लाई किया इस पोर्टल पे, मेरे जीएसटी रिटर्न्स, आईटी रिटर्न्स या फिर और कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कैप्चर कर लिया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा, और प्राइमरी एनालिसिस भी कर दिया जाएगा। सारी डिटेल्स जाएंगी लोन ऑफिसर के पास, लोन ऑफिसर के लिए काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लोन ऑफिसर बहुत जल्दी ये निर्णय ले सकेगा कि लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पीएसबी लोन इन 59 minutes.com के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के बारे में है। देखो, इस डायलॉग को कंसेप्चुलाइज किया गया था पिछले साल 2018 में। ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग एक एपेक्स लेवल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी की, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन के द्वारा एज ए नेवी नॉलेज सेंटर। यहाँ पर नीचे देखो, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग नेवी की एक एपेक्स लेवल कॉन्फ्रेंस है। यूपीएससी फंसाने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगी, क्या इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इंडिया और यूएसए के बीच का कोई डायलॉग है या फिर इंडिया आसियान के बीच का कोई डायलॉग है? इस प्रकार से फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर होगा नहीं, ये नेवी की एपेक्स लेवल कॉन्फ्रेंस है। परमानेंट थीम इस डायलॉग की ये है, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन सबको रिव्यू करना। और अभी कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में दूसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का न्यू दिल्ली में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के बारे में, और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में डिस्कस किया, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के बारे में जाना, बोल्ड QIT के बारे में जाना। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, पीएसबी लोन इन 59 minutes.com के बारे में हमने डिस्कस किया, फॉल आर्मी वॉम के बारे में हमने जाना, और सबसे लास्ट में जाना इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।